जिन्हें नहीं पता नाइसा अजय एंड काजल की डॉटर है नायसा जो है ना वो एक्सट्रीमली डिफरेंट दिख रही है पिक्स में एंड वेन आई वैन थ्रू द कॉमेंट सेक्शन अक्यूजिंग हर ऑफ गेटिंग सर्जरीज फॉर सच फ्लॉलेस बॉडी एंड इवन स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट बी शूटाट वॉज रिटर्न

लाइक like, कई बार आपने ये देखा होगा कि लोग मजाक में ये कंपैरिजन करते हुए दिखाई दिया है कि जब हम 15-16 साल के थे तब बच्चों जैसे दिखाई देते थे बट अभी की गर्ल 16 इयर्स में फुल्ली ग्रोन वुमेन जैसी दिखाई देती है तो ये कोई इमेजिनरी सीनारियो नहीं है एक्चुअल में ये एक इशू है जो डिफरेंस देखने मिल रहा है जनरेशन के बीच में दैट इज रियल एंड कंसर्निंग लड़कियों की जो बॉडी है ना वो आज के टाइम पे इज ग्रोइंगास्टर कम्पेयर टू गर्ल्स टेन इक ऐसा क्यों इफ यू आस्क मी तो आई विल से आंसर आपको स्टेरॉइड एंड हार्मोन में मिल जाएगा

बट इट इज नॉट द केस ऑलवेज इश्यू होता है जब अर्ली प्यूबर्टी के फीमेल्स में देखने मिलते हैं इमेजिन एक दस साल की लड़की है जो अपने बॉडी में से चेंजेस देख रही है सडनली जबकि उसके आस पास वाले जो उसके फ्रेंड्स है सेम एज ग्रुप वाले वो अभी भी पहले जैसे ही महसूस कर रहे है उनके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे तो ऐसे केसेस में उस लड़की के लिए प्यूबर्टी काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है बिकॉज उसका आउटर अपियरेंस चेंज हो रहा है एंड दिस चेंज कम्स विद ऑफ अनवॉन्टेड अटेंशन ऑल्सो फ्रॉम अपोजिट सेक्स

पर पिछले कुछ सालों में जिस वे से फीमेल्स का काउंट बढ़ रहा है जो अर्ली प्यूबर्टी का इश्यू फेस करी है उस वजह से ये कंक्लूजन निकाला गया है कि लाइफस्टाइल एंड मेनली फूड जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं इस से Milk, ये भी एक है इसके होता क्या है ना कि जो होता है, उनका एक रिक्वायरमेंट का लीटर दूध दे है to to पर फार्म पे उनके पास जो काउस है वो ये कोटा के हिसाब से तो दूध प्रोड्यूस नहीं करेगी जितना नेचुरली शी कैन उतना ही वो दूध देगी बट नेचुरली जितना दूध मिलता है वो ये डेयरी फार्म के रिक्वायरमेंट से काफी कम होता है इस वजह से वॉट दे डू इज़ इंजेक्ट हॉर्मोन्स इन टू काव सो दैट वो और भी ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें अब ये जब हॉर्मोन्स काव के अंदर जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि मिल्क में भी उसके ट्रेसेस होंगे और ये दूध जो निकाला जाता है फिर वो घर घर में कंज्यूम होता है एंड हर घर में ये मैंटेलिटी है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा दूध देना चाहिए तो इनडायरेक्टली ये सारे हॉर्मोन्स उनके अंदर भी चले जाते हैं अभी ये हार्मोन स्पेसिफिकली क्योंकि एक फीमेल एनिमल को ध्यान में रख के इंजेक्ट किया जाता है इसी वजह से ह्यूमंस में भी फीमेल के आउटर अपियरेंस में इसका ज्यादा इफेक्ट होता है इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स इससे अफेक्ट नहीं होते दे आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड उनकी फर्टिलिटी में इससे प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे हॉर्मोन्स जो है ना वो कई मेल्स में इनफर्टिलिटी का इशू पैदा कर रहे हैं एंड इफ यू सी ऐसा कोई लड़का है जो थोड़ा अवीज है और उसका एक्सट्रीम मिल्क कंजन भी है तो उसका चेस्ट एरिया भी बल्कि दिखाई देने लगता है

तो हो सकता है कि जब वो बड़ी हो रही है तब ब्रेस्ट फीडिंग की जगह वो औरत अपने बच्चे को पैकेट का दूध दे तो अगेन ये मिल्क कंजम्पशन की वजह से वो बच्ची के बॉडी में हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है एंड फॉर इयर्स जब ऐसे थोड़े थोड़े अमाउंट में ये सब जाता है लॉन्ग रन में इसके साइड इफेक्ट्स देखने मिलते हैं अर्ली प्यूबर्टी के, के केसेस भी इसी वजह से बढ़ने लगे हैं कुछ साल पहले तक शायद एक 16 साल की लड़की की जो बॉडी है वो काफी डिफरेंट दिखाई देती होगी पर वही आज किसी 16 साल की फीमेल को अगर आप देखोगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक फुल्ली ग्रोन वुमन जैसे अप्योर हो सो नेक्स्ट टाइम आप किसी टीनेजर को देखोगे विद फ्लॉलेस बॉडी तब डू नॉट टू जम्पून बाई से नाइट अटे की लाइफ स्टाइल एंड फूड का effect, उनके बॉडी पे दिखाई दे रहा है कई आर्टिकल्स में ये आया भी है जहाँ डॉक्टर्स हैव रिपोर्टेड की उनके पास ऐसे कई फीमेल्स के केसेस आ रहे हैं जिन्हें छोटी उम्र में ही पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं एंड उनके पेरेंट्स को क्योंकि ये पता है दैट इट इज नॉट नॉर्मल टू गेट पीरियड्स सो सून तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं पर अर्ली प्यूबर्टी के पीरियड्स जल्दी आती है वाई डू यू थिंक कि रिच पीपल जिनके पास रिसोर्स है, है बोल के लोग डेयरी या मीट प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ रहे दे आर जस्ट अवेयर कि ये सब कितना हार्मफुल हो सकता है एंड इसी वजह से वो लोग मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह छोड़ रहे हैं वो जमाना गया जब दूध को डायरेक्टली ऐसे ही पैकेट से पीने पे हेल्थ बेनिफिट ज्यादा होते थे अब इट इज नॉट लाइक देट अडल्ट्रेशन इज सीरियस कंसर्न जिसके बारे में knows, no एक रिपोर्ट 2017 के हिसाब से टू थाउजेंड सेवेंटीन के ईयर में in नंबर बढ़ता जा रहा है आप में से कई लोगों के लिए ये वो उम्र होगी जब आप टीवी पे कार्टून देखते थे लगोरिया हाइडें थे बट अभी के जनरेशन के लिए दिस हेज चेंज कम्प्लीटली ये एज फ्रेम उनके लिए वो खेलने कूदने वाली उम्र नहीं रह गई है इंस्टेट सेक्सी सा रील बनाना स्कूल जाने से पहले इज समथिंग दैट दे सोशल मीडिया इज ऑल्सो अकल्प्रेटियर क्योंकि हॉर्मोन्स जो लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में रिलीज होने चाहिए थे उसके जब ट्रेसेस यंग एज में ही बॉडी में बढ़ जाता है तो आम सी बात है इट इज अड दैट दे

फीमेल्स जो है ना वो ये चीज़ से रिलेट कर पाएगी जो मैं अभी बोलने वाली हूँ फर्स्ट टाइम जब आपको वो फीलिंग आया होगा दैट यू डू नॉट वॉन्ट अ पर्सन टू लुक एट यू बिकॉज द वे दे आर लुकिंग एट यू इज मेकिंग यू फील डिस्कस्टेड या वो फर्स्ट टाइम ब्रा पहनने का नीड आपको महसूस हुआ होगा बिकॉज ब्रा मेक्स यू फील सिक्योर एंड प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सच घूरती हुई निकाहे ये सब फीलिंग आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा लोग आउट ऑफ एडमिनेशन आपको देख रहे हैं कि आउट ऑफ लस्ट ये फीमेल काफी अच्छे से फिगर आउट कर सकती है तो एक मेंटल एज करके भी चीज होती है जब वी टच मेच्योरिटी एंड वी आर मोर केपेबल ऑफ हैंडलिंग सच क्रीप सराउंडिंग पर जब अर्ली प्यूबर्टी से कोई लड़की गुजरती है तेन तो वो इतनी मेंटली स्ट्रांग नहीं होती जिस वजह से एट टाइम्स बॉडी का ऐसा चेंज होना बैकफायर करता है शी स्टार्ट्स स्टार्टिंग और ओन बॉडी सबकॉन्शियसली वो ये कंक्लूजन बना लेती है दैट लोग इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि उसका वैसा कर्वी बॉडी टाइप है या अपने एज के बच्चों की तरह वो दिखाई नहीं देती इसलिए भी बी प्लास्टे जबकि इट इज नॉट फॉल्ट पर सामने वाली की सोच गलत है ये उसे जब वो मेच्योर हो जाएगी तब रियलाइजेशन हो जाएगा पर वो रियलाइजेशन आने के पहले तक शी कीप्स ब्लेमिंग हर सेल्फ एंड इसी वजह से अर्ली प्यूबर्टी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है ये स्टडीज ने पाया है सो याद आदि फॉर दिस वीडियो एंड इफ़ यू ओनली कैन फॉलोज एन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक एंड शेयर करे और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें थैंक यू